झारखंड में उपचुनाव के दौरान विपक्षी एकजुटता पर सीएम रघुवर दास ने कसा तंज, कहा जब जब एक होने की हुई है कवायद तब तब खिला है कमल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हर्षवर्धन से मिले सीएम रघुवर दास, लंबित सड़क परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर हुई बात, पर्यावरण मंत्री से की जंगल से जुड़ी चीजों पर इनकम टैक्स में छूट की मांग, राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। नाबालिग से हैवानियत करने वाले चार दरिंदों को पाकुड़ पुलिस ने किया गिरफ्तार, रिश्तेदार ही निकला अस्मत का लुटेरा, 23 अप्रैल को रेप के बाद कर दी थी पीड़ित की हत्या। गिरिडीह पुलिस ने प्रतिबंधित मजदूर संगठन समिति के 13 सदस्यों को किया गिरफ्तार, मजदूर दिवस के मौके पर पुलिस ने सभी को किया गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक नक्सलियों की देखरेख में चलाया जा रहा था संगठन। पाकुड़ में एक विवाहित महिला की गई जिंदा को की गई जिंदा जलाने की कोशिश, 90% जली हालत में विवाहित महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती, नगर थाना के मारवाड़ी पट्टी मोहल्ले की घटना, पीड़ित ने पति सास और ससुर पर लगाया जलाने का आरोप। रेल सुरक्षा बल के हवलदार की पत्नी से गैंगरेप के मामले में चाईबासा पुलिस और रेल पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस के मुताबिक रेल संपत्ति चोरी नहीं करने पर आरोपियों ने आरपीएफ हवलदार की पत्नी से किया गैंगरेप, पुलिस ने एक आरोपी नकुल खलकू को किया गिरफ्तार। चाईबासा जैप कैंप में खुद की गोली चलने से एक जवान बुरी तरह घायल, चाईबासा के टोंटू थाना क्षेत्र के जैप नाव कैंप में जवान संजीव एक्का के कंधे में लगी गोली, बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से भेजा गया रांची रिम्स में चल रहा है जवान का इलाज। राष्ट्रीय कर्मचारी सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वलजी भाई जाला के नेतृत्व में रांची नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर अधिकारियों की हुई बैठक, अध्यक्ष के मुताबिक 464 सफाई कर्मियों के भरोसे है राजधानी की सफाई व्यवस्था। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली बोर्ड बैठक का हुआ आयोजन, मेयर विनोद श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक, बैठक में 15 एजेंडों पर लगी मुहर, कई विकास योजनाओं को दिखाई गई हरी झंडी। धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान के बेटों और रिश्तेदारों के आतंक से परेशान एक परिवार ने लगाई मदद की गुहार, पीएमओ से मुख्यमंत्री जनसंवाद तक शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई, फहीम खान के 2 रिश्तेदारों को किया गया गिरफ्तार। गोड्डा के दौरे पर केंद्रीय उद्योग सचिव डी एस गंगवार, जिले के लौगाए गांव का किया दौरा, सांसद निशिकांत दुबे और जिले के तमाम अधिकारियों के साथ ग्राम स्वराज अभियान कार्यक्रम में की शिरकत। जमशेदपुर की सड़कों पर उतरे ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के छात्र, स्कॉलरशिप की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, छात्रों का आरोप कॉलेज में आवेदन सत्यापन की गड़बड़ी के कारण नहीं भरी जा रही स्कॉलरशिप। पाकुड़ में 4 दिवसीय संथाल परगना क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, डीआईजी अखिलेश झा ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन, एथलेटिक्स फुटबॉल कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। दुमका शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र के मोहल पहाड़ी गांव के निजी होटल में की गई छापेमारी, भारी संख्या में झारखंड और बंगाल का फर्जी चालान बरामद, छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को भी किया गिरफ्तार, गिट्टी से लदे 47 ओवरलोडेड ट्रक किए गए जब्त। बोकारो के तेनुघाट न्यायालय के आदेश के बाद बेरमो के सीसीएल जीएम ऑफिस और जारंगडीह पीओ कार्यालय को किया सील, एक निजी कंपनी का बकाया भुगतान नहीं करने पर अदालत ने दिया आदेश, सीसीएल कथारा जीएम ऑफिस पूरी तरह सील। लातेहार के मत्स्य हेचरी में किसान कला कार्यशाला का किया गया आयोजन, जिले के सैकड़ों किसानों ने लिया हिस्सा, डीसी राजीव कुमार ने कार्यशाला का उद्घाटन किया, कई किसानों को किया गया सम्मानित। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके की सड़कों की हालत खस्ताहाल, जनता मार्केट तक पहुंचने के लोगों को करनी पड़ती है खासी मशक्कत, सड़कों की खराब हालत की वजह से इलाके के लोग परेशान, प्रशासन से कई बार लग चुका है मरम्मत की गुहार। राजधानी रांची में 3 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के आरोप में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने से लोग नाराज, लिटिल एंजल स्कूल की घटना, लोगों ने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। झारखंड के कई शहरों में बदला मौसम का मिजाज, रांची हजारीबाग और गिरिडीह में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों ने ली राहत की सांस। कोडरमा में हुई रात्रि सफाई योजना की शुरुआत, महानगरों की तर्ज पर शहर में शुरू हुई सफाई योजना, जनता कर रही है सरकारी पहल की सराहना। दिल्ली और गोमिया विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम